हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, यूएई गवर्नमेंट ने एक हफ्ते का छुट्टी देने का अनाउंसमेंट किया है। आपको ये सब बात शायद अटपटा लगे, बट आपको सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए, विश्वास हो जाए, क्योंकि आप लोग भी सोचेंगे ये क्या झूठ न्यूज़ फैला रहा है, ये गलत न्यूज़ दे रहा है दोस्तों। तो आपको जब स्क्रीनशॉट पर दोनों का देखो, खलीज टाइम्स में भी आया है दोस्तों, गल्फ न्यूज़ में भी आया है कि लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। अगर कंपनी आपको नहीं दे रही है दोस्तों तो कैसे ले सकते हैं? क्योंकि दोस्तों बहुत सारा, मैं जब छुट्टी पर वीडियो बनाता हूँ तो नीचे बहुत सारा भाइयों का कमेंट आते रहता है कि मेरी कंपनी में तो दो दिन छुट्टी देती है, एक दिन देती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं देती है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है कि कंपनियां क्यों नहीं छुट्टी देती है जबकि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होता है? प्राइवेट सेक्टर वाले लोग के लिए है और गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग के लिए भी। तो छुट्टी क्यों आखिर ऐसा कंपनियां क्यों करती है? तो जो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बात आपको बता रहा हूं कि जो एक वीक का छुट्टी का अनाउंसमेंट किया है दोस्तों, वो दोस्तों अगले साल 2023 में जब बकरीद जो बोलते हैं, ईद उल अधा, ठीक है, ईद उल अधा का दोस्तों 5 दिन कंटिन्यू छुट्टी रहेगा क्योंकि उसमें एक अरफा डे भी आ रहा है। 4 दिन बकरीद का छुट्टी दोस्तों, 1 दिन अरफा डे और बीच में एक संडे भी पड़ रहा है, मतलब 6 दिन हो गया। तो 6 दिन मतलब एक हफ्ता लगभग हो गया दोस्तों। बट बहुत सारे लोगों का दिमाग में यही कन्फ्यूजन रहता है और बोलते रहते हैं कि मुझे कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, जबकि गवर्नमेंट इसीलिए कोई भी वीकेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट पहले करती है। क्यों? क्योंकि जिसको छुट्टी नहीं मिलती है और जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं वो अवेयर रहे, उनका माइंड में चले कि हाँ मुझे लॉन्ग वीकेंड मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है तो सारे लोगों के लिए छुट्टी दे रही है। लोग बोलते हैं कि मुझे कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, मैं क्या करूं? तो दोस्तों देखिए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। आप सोचोगे कि मेरी कंपनी ऐसा नहीं, ये दुबई लेबर लॉ सारे कंपनियों के लिए सेम समान है। कुछ कैटेगरी के लिए अलग होता है दोस्तों, जैसे जो सुपरमार्केट में काम करते हैं, सैनुल में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, उन लोग के लिए सिर्फ अलग है। बाकी जो फैक्ट्री में है, कंस्ट्रक्शन साइट में है, बड़े बड़े जगह पर जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों दुबई लेबर लॉ के हिसाब से वो सेम रूल सभी लोगों के लिए है। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने पहले अनाउंसमेंट की है। अब बताओ, 2023 में छुट्टी बताई है गवर्नमेंट और अभी अनाउंसमेंट की है। क्यों? क्योंकि लोगों के अवेयर रहे, जो कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन करोगे तभी उस कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लोग बोलते हैं कि मैं मोहरे में कॉल किया था और मुझे नहीं, तो तुरंत नहीं होता है दोस्तों, आपको एक बार दो बार वहाँ पर बताना पड़ता है। आप एक बोल दिए, दूसरे लोग, मान लीजिए उस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, अगर 2-4 लोग का कंप्लेन चल जाएगा दोस्तों तो उन लोग जांच भेज देती है वहाँ पे, उन लोग चेक करने के लिए कि ये कंपनी क्या वर्करों के साथ ऐसा फ्रॉड कर रही है। तो आपकी कंपनी अगर छुट्टी नहीं देती है दोस्तों तो आप मोहरे में कॉल करो, क्योंकि मोहरे को बनाया गया है लेबर का सपोर्ट के लिए। यहाँ पे मोहरे का कॉन्टैक्ट नंबर आप गूगल में जाना है, सीधा लिखना है मोहरे कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें आएगा और सीधा अपना प्रॉब्लम बताओ। डरोगे दोस्तों तो डरते रह जाओगे, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को आप देखते होगे, आपके आँख के सामने बहुत सारे कंपनियाँ छुट्टी देती है बट आपकी कंपनी नहीं देती है, तो आपका गलती है क्योंकि आपको हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये अपडेट था दोस्तों, मैं सोचा शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय।